हाय एवरीवन एंड वेलकम टू प्रियदर्शनी टॉक्स। प्रियदर्शनी टॉक्स में मैं प्रियंका प्रियदर्शनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज है 2nd of January 2019। कितना जल्दी वक्त गुजर जाता है ना, अगर आप अकेले बैठकर सोचे तो ये लगेगा कि सच में वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है। टाइम फ्लाइज, ऐसा लगता है कि जैसे टाइम को विंग्स है और वो फ्लाई होता रहता है बहुत जल्दी। साल पे साल गुजरते जा रहे हैं और हम पता नहीं कहाँ चलते जा रहे हैं, शायद अपने अंत की ओर, शायद अपने बिगनिंग की ओर, शायद अपने गोल की ओर, शायद अपने लक्ष्य की ओर। तो अच्छा, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि मैं अगर इन सब बातों को शुरू कर देती हूँ तो मैं बहुत डेप्थ में चली जाती हूँ। तो हाँ, कल 1st of January को, जैसा कि मैंने छोटू सा एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को कहा था कि हम फिल्म देखने गए हैं सिम्बा, एंड आई मस्ट टेल यू गाइज, इट इज अ मस्ट वॉच फिल्म, वेरी गुड फिल्म सिम्बा, आई लव्ड इट। आई मीन, मुझे अगर मौका मिले, अगर टाइम हो और मेरे हस्बैंड मुझे ले जाएं, तो मैं सेकेंड टाइम ज़रूर इसे देखना चाहूँगी। मुझे इतना ये पसंद आया ये फिल्म, तो आप जाकर इस फिल्म को वॉच कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड फिल्म, इसमें रोमांस है, इसमें थ्रिल है, इसमें एक्शन है, एवरीथिंग, और बहुत अच्छी मूवी है ये, बहुत अच्छी मूवी है। रोहित शेट्टी ने सच में बहुत अच्छी मूवी बनाई है, सुपर डुपर हिट फ्रॉम माय साइड। सो अब सिम्बा को हटाते हुए मैं यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ आपके सामने पंचतंत्र के कलेक्शन से एक स्टोरी लेकर, और इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है मित्र का धोखा। जी हाँ, मित्र का धोखा। दो मित्र थे, धर्मचंद और मनोहर, दोनों में प्रगाढ़ दोस्ती। लेकिन मैं बता दूं, धर्मचंद नाम के विपरीत ही अधर्मी थे, यानी कि झूठ बहुत बोलते थे और ऑनेस्ट भी नहीं थे। और वहीं बेचारा मनोहर, नाम के साथ ही साथ, जैसा नाम वैसा गुण, जो लोग जो भी उससे मिलते थे वो उनका मन मोह लेता था। वो बड़ा ही सच्चा और बड़ा ही सीधा और स्वच्छ दिल का इंसान था। तो दोनों एक बार विदेश से बहुत सारे पैसे कमा कर लाए, इकट्ठा करके लाए। अब दोनों ने ये सोचा कि इन पैसों को कहाँ सेफली हम रख सकते हैं। तो दोनों ने ये तय किया कि क्यों ना हम नीम के जड़ में गड्ढा खोदकर इस पैसे को रखें, और जब जब जिसको काम होगा तो दोनों एक साथ मिलकर उसको, दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्म करके धन वहां से निकाल लिया करेंगे। यूं तय हुआ दोनों मित्रों के बीच, धर्मचंद और मनोहर के बीच, और दोनों ने वैसा ही किया। दोनों नीम के पेड़ के पास गए, गड्ढा खोना जड़ में, और सारा धन वहीं पे रख दिया। अब मनोहर तो बड़ा खुश हो गया कि चलो, मेरा धन सेफ हैंड्स में तो है, सेफ प्लेस में तो है। लेकिन यहाँ धर्मचंद के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने एक योजना बनाई, उसने सोचा कि क्यों ना सारा धन मैं ही हथिया लूं, ये मनोहर क्या लेके इसे करे, सारा धन मैं ही ले लेता हूं। ये सोचकर दूसरे दिन ही वो गया, यानी कि धर्मचंद गया नीम के पेड़ के पास, और गड्ढे खोन के धन गाड़े हुए थे दोनों मित्रों ने, उस गड्ढे को उसने दोबारा खोना और सारा धन उसने अपने घर में चुरा लिया, उसने सारा धन ले लिया, वहां से निकाल लिया। और जो कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, तो वो सीधा मनोहर के घर पहुंचा और बोलने लगा कि चलो मनोहर, मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है, तो चलो थोड़े से हम पैसे निकालेंगे। तो मनोहर अग्री हो गया, दोनों मित्र चल पड़े। जब वहां गड्ढा खोना गया तो देखा गया कि वहां तो एक रुपया भी नहीं है, कोई भी धन नहीं है, सारा धन नदारद है। अब धर्मचंद ने आओ देखा ना ताओ मनोहर पे उसने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि हो ना हो तुम्ही ने चोरी की है, क्योंकि इस बात का ज्ञात कि यहाँ धन है हम दोनों को ही था, अन्य कोई तो जानता नहीं था, तो ये तुम्ही ने चोरी किया है। अब मनोहर तो बेचारा रोने लगा, इतनी प्रगाढ़ मित्रता जो थी, आपने देखा ही होगा कि जब हम किसी पे विश्वास करें और अगर वो हम पे गलत लांछन लगाता है, गलत आरोप लगाता है, तो कितना हृदय दुखता है। तो यूं मनोहर के साथ भी ऐसा ही हुआ, मनोहर बेचारा रोने लगा। बात राजा तक पहुंची और राजा ने ये डिसाइड किया कि ये नीम का पेड़ ही बता सकता है कि धन किसने चुराया है। मनोहर ने सोचा कि चलो, नीम का पेड़ तो कभी झूठ बोलेगा नहीं, पेड़ तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी कि मैंने कभी लिया ही नहीं है। तो दोनों मित्र चल पड़े, राजा चल पड़ा और राजा के साथ राजा के सिपाही भी चल दिए। गड्ढा खोना गया, देखा गया धन वहां नहीं है। राजा ने नीम के पेड़ से पूछा, ए नीम के पेड़, तू ही बता सारा धन किसने लिया है। तो नीम के पेड़ से आवाज आई, मनोहर
मनोहर ने सारा धन चुराया है। अब राजा ने मनोहर को बड़ी कड़ी दृष्टि से देखा और मनोहर को कहने लगे कि झूठ बोलते हो तुम राजा के सामने। ये देखो नीम के पेड़ ने भी गवाही दे दी कि तुमने धन चुराया है। अब बेचारा मनोहर तो रोने लगा और उसने राजा से कहा, राजन पेड़ तो कभी झूठ नहीं बोल सकता, हो ना हो दाल में जरूर कुछ काला है, मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करने का एक मौका जरूर दें। राजा तो गुस्से में थे लेकिन तो राजा तो गुस्से में थे लेकिन उन्होंने मनोहर को एक मौका दिया। मनोहर ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और नीम के पेड़ के नीचे रख दिया और लकड़ियों को जला दिया। अब लकड़ियों से तेज लपटे नीम के पेड़ तक पहुंचने लगी, ऊपर के डाली तक पहुंचने लगी। तब जाके नीम के पेड़ से आवाज आई, बचाओ बचाओ। अब बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ देखो इसमें कौन है। तो पेड़ के खोह में धर्मचंद का पिता बैठा था और वही चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, क्योंकि वो तो जल रहा था आग के लपटों से। राजा के सिपाहियों ने धर्मचंद के पिता को तो बचा लिया लेकिन राजा को सारा सारा माजरा समझ में आ गया। राजा समझ गए कि ये धर्मचंद की चालाकी है, इसने अपने पिता के साथ मिलकर ये धोखाधड़ी की है। तो राजा ने धर्मचंद को तो दंड दिया ही लेकिन साथ ही साथ मनोहर को उपहार स्वरूप वो जो धन था जो धर्मचंद ने चुरा लिए थे वो दे दिया और उपहार स्वरूप उसे अवार्ड भी दिया गया। राजकोष से उसे उसे अन्य धन भी दिया गया, बहुत सारा धन भी दिया गया। इस तरह मनोहर को रिवार्ड मिला और धर्मचंद पनिश्ड हुआ। सो द स्टोरी एंड्स ऑन ए स्वीट नोट कि बहुत बार जीवन में ऐसा होता है हम बहुत बड़ी डिफिकल्टी में फंसते हैं लेकिन उस समय हम अपनी बुद्धि से काम लेना भूल जाते हैं, हम उस डिफिकल्टी में उलझते चले जाते हैं। अगर मनोहर अपनी बुद्धि से काम लेकर वो अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोई योजना न बनाता, कोई प्रयत्न न करता, तो आज वो निर्दोष साबित ना होता बल्कि आज वो दंड का पात्र बनता। तो मुश्किल से मुश्किल वक्त में हमें शांत होकर अच्छी बातें सोचनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम इस घड़ी से निकले कैसे, बजाय उससे घबराने के, बजाय बहुत ज़्यादा हल्ला मचाने के, क्योस पैदा करने के, हमें साइलेंटली उस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। एंड वील श्योरली 100% बी आउट ऑफ द डिफिकल्टी, वॉट एवर द डिफिकल्टी इज। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे। दिस इज प्रियदर्शनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्रियदर्शनी टॉक्स। And Priyadarshini Talks, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इट कैन ग्रो ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब। एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग द रेड कलर माई चैनल दैट इज आफ्टर प्रेसिंग द रेड कलर सब्सक्राइब आइकन, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिमेन नोटिफाइड। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर बिटवीन योर फ्रेंड्स एंड गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, लाइक इट, कमेंट ऑन इट। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच सिम्बा, इट्स अ वेरी awesome movie, awesome, I tell you, bye-bye.